Hello friends, good afternoon. This is Dr. Bakul Dev from Unacademy Studios Placebo, and this is Team Placebo. We all are taking live sessions in physics, chemistry, botany, zoology, all the four subjects for all of you. NEET और AIIMS का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वो चैनल है जिसे आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और ये वो टीम है जिसके साथ आपको एसोसिएटेड रहना चाहिए. यहां से जो जो गाइडलाइंस आपको मिले वो सारी गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी चाहिए. वी आर सॉरी फॉर अ बिट टेक्निकल डिले. वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन इन अ व्हाइल. मैं आपको बताता चलूं, अमित सर आपको बॉटनी पढ़ा रहे हैं दोपहर 1 बजे और शाम 5 बजे. दीपक सर आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं दोपहर 2 बजे और रात 9 बजे. आनंद सर बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं 10 बजे सुबह और शाम 7 बजे. मैं आपको जूलॉजी पढ़ा रहा हूं सुबह 11 बजे और दोपहर 3 बजे. रितु मैम आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हैं शाम 4 बजे और रोहित सर आपको फिजिक्स पढ़ा रहे हैं दोपहर 12 बजे और रात 8 बजे. बच्चों ये इस वक्त नीट और AIIMS के लिए बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर्स का एक पूल है जो अनअकैडमी स्टूडियोज Placebo पर अवेलेबल है, जो आपके साथ अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर कर रही है टीम और डेली आपके लिए 10-12 आवर्स के लाइव सेशंस हम सब लोग ले रहे हैं. तो जुड़े रहिए इस टीम के साथ में. और यहां अनअकैडमी स्टूडियोज Placebo पर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, क्या क्या चीजें यहां चलती रहती हैं, उनके नोटिफिकेशन के लिए, उनके डायरेक्ट आपको इंफॉर्मेशन उसकी मिलती रहे कंटिन्यूअसली विदाउट एनी गैप विदाउट एनी फेल, उसके लिए आपको ये चैनल ज्वाइन कर लेना है टेलीग्राम. अगर आपने ये एप्लीकेशन अभी डाउनलोड नहीं किया है, तीन सिंपल से स्टेप है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए. एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको टेलीग्राम ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है, इस चैनल का पार्ट बन जाना है. और तीसरा काम जो आपको करना है, थर्ड, वो काम क्या है बच्चों, अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर लेना है जल्दी से, क्योंकि अनअकैडमी प्लस आपको प्रोवाइड करता है मल्टी डायमेंशनल सपोर्ट सिस्टम जो किसी भी एंगल से, किसी भी हमें यह कहना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में कोई भी लैक्यूना आपका नहीं बचने देगा, कोई भी कमजोरी कहीं पर भी आपके लिए बचेगी ही नहीं. आपका 100% फुल प्रूफ प्रिपरेशन हो पाएगा अगर आपने प्लस को सब्सक्राइब कर लिया. उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि अनअकैडमी प्लस पर इस वक्त 40 प्लस टॉप एजुकेटर्स फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी चारों सब्जेक्ट्स के नीट और AIIMS के लिए क्लासेस ले रहे हैं, सेशंस ले रहे हैं. डेली हम लोग 30+ आवर के लाइव सेशन लेते हैं आपके लिए चारों सब्जेक्ट्स में अलग अलग टॉपिक्स पर. हर सेशन के बाद हम आपको PDF फॉर्मेट में नोट्स अवेलेबल करवाते हैं. जितने भी सेशन आपके मिस हुए हैं उनके रिकॉर्डेड वर्जन आप देख सकते हैं. हर चौथा क्लास हमारा डाउट रिमूवल सेशन होता है जिसमें आपके छोटे छोटे सारे के सारे डाउट्स हम क्लियर करते हैं. तो इतना पर्सनलाइज्ड मैनर में ट्रेनिंग और किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको अवेलेबल नहीं होगा. जल्दी से अनअकैडमी प्लस को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. ओके, तो ये तीन काम आपको जल्दी से कर लेनी है. सबसे पहला इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, दूसरा टेलीग्राम ऐप, और तीसरा अनअकैडमी प्लस. प्लस पर अलग अलग कोर्सेज चलते रहते हैं जैसा कि आपको पता है, और प्लस को सब्सक्राइब करने का तरीका बड़ा आसान है, बड़ा सरल है, बड़ा सिंपल है. लर्निंग ऐप को आपको इंस्टॉल करना है. इंस्टॉल करने के बाद प्लस वाले सेक्शन पर आपको क्लिक कर देना है. जैसे ही आप प्लस वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे. गेट सब्सक्रिप्शन पर जाने के बाद में 1 मंथ से लेकर के 24 मंथ तक के सब्सक्रिप्शन प्लान आपके सामने ओपन हो जाएंगे. इन सब्सक्रिप्शन प्लान्स में से आपको 1 ईयर सब्सक्रिप्शन ऑप्ट कर लेना है बच्चों, अगर आप अभी क्लास 12th में हैं या फिर आप रिपीट कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं. तो
इसका फी बहुत कम है, 25,000 बहुत ही कम फी कहना चाहिए। जो कंटेंट आपको मिल रहा है, जितने एजुकेटर्स का सपोर्ट आपको मिल रहा है, जो डाउट सेशंस आपको मिल रहे हैं, जो क्विजेज आपको मिल रहे हैं, जो नोट्स आपको मिल रहे हैं, उसके कंपैरिजन में ये फीस कुछ भी नहीं है। और अगर आपने सब्सक्राइब करते वक्त बकुल 10 रेफरल कोड काम में लिया, द फी विल कम डाउन टू 22,500, जो और भी कम हो जाएगा। और बच्चों, अगर आप अभी क्लास 11 में हैं तो आपको 24-month सब्सक्रिप्शन ऑप्ट कर लेना है, जिसका फी और भी कम है, दैट इज 40,000 फॉर 2 ईयर्स। और यहां जब आप अपना ये रेफरल कोड बकुल 10 अप्लाई करेंगे तो आपका फी 40,000 से आ जाएगा 36,000, माने कि 18,000 रुपए एक साल के, जो कि बहुत ही रीजनेबल है, बहुत ही कम फीस है। तो जल्दी से इस काम को कर लो, तीनों काम जल्दी से आपको कंप्लीट कर लेने हैं। अनअकैडमी स्टूडियोज प्लेसेबो सब्सक्राइब कर लेना है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है और अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब कर लेना है। उसके बाद जो जो गाइडलाइन आपको अनअकैडमी की तरफ से दी जाती है, हमारी टीम की तरफ से दी जाती है, बस उनको फॉलो करते रहिए। नीट और एम्स बहुत अच्छी रैंक के साथ में आप क्रैक करने वाले हैं। आज का सेशन बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं, और आज का सेशन हम स्टार्ट करें उससे पहले ज़रा मैं ये देख लूँ कि कौन कौन बच्चे इस वक्त क्लास में आ चुके हैं। लेट मी हैव अ लुक। मेडिकल मेड इजी, रेनू यादव, निखिल, विजय, गेमिंग, रेशमा, आयुषी, काजल ओझा, कोमल, राजू शॉ, हर्ष कुमार सिंह, कोमल अग्रवाल, अर्पित भारद्वाज, सृष्टि शर्मा, रिया, हर्ष कह रहे हैं हैव यू कंप्लीटेड ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज। हाँ, अगस्त के मंथ में हमने कंप्लीट कर लिया था। आपको इसके लाइब्रेरी वाले सेक्शन में जाएंगे, आप सर्च करेंगे तो आपको वो लेक्चर्स मिल जाएंगे, है ना, हमने पूरा कर लिया था उसको। शिव यादव, लिपुन, मौमिता, इनक्रेडिबल लाइट, और भी काफ़ी सारे बच्चे आ गए हैं इसमें। इशिता नायडू, राजू शॉ, समरीन बानो, मयूरी, प्रशांत लाल, गौरव त्रिपाठी, चलो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं। आज हमें एक नया टॉपिक स्टार्ट करना था, एनिमल टिश्यूज़ वाला सेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में। अब हम मॉर्फोलॉजी वाले सेक्शन पर आ रहे हैं और इसमें आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉकरोच। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन। आज हम वैसे भी थोड़ा सा हम लेट हैं। चलिए सबसे पहले बेसिक्स पर आते हैं। वैसे तो टैक्सोनॉमी में बच्चों हम फाइलम आर्थ्रोपोडा पढ़ चुके हैं, आपको याद होगा। आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर्स भी हमने पढ़े थे, उसी में हमने एक ग्रुप पढ़ा था इंसेक्टा, हेक्सापोडा। उसी इंसेक्टा या हेक्सापोडा में हमने एग्जाम्पल डिस्कस किया था पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, ठीक है, कॉकरोच, कॉमन जो कॉकरोच है। तो सबसे पहले इसकी टैक्सोनॉमिक हायरार्की देख लेते हैं। फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, एटलीस्ट ये दो चीजें तो याद रखनी है, जीनस पेरीप्लेनेटा, स्पीसीज अमेरिकाना। सब क्लास ऑर्डर वगैरह आप याद न रखें चलेगा, लेकिन फाइलम याद रखें आर्थ्रोपोडा, क्लास याद रखें इंसेक्टा, जीनस और स्पीसीज दैट इज पेरीप्लेनेटा एंड अमेरिकाना। वैसे जो टर्म है ना पेरीप्लेनेटा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पेरी का मतलब होता है पेरी, प्लेनेटा मतलब ये एंटायर प्लेनेट पर मिलता है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर कॉकरोच न मिलते हो, तो इसका नाम रख दिया गया पेरीप्लेनेटा। इट इज फाउंड ऑन एंटायर प्लेनेट एवरीवेयर, कहीं कुछ भी नहीं मिलेगा वहां पर भी कॉकरोच तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो ये जो नाम दिया गया है इसको पेरीप्लेनेटा, वो इस वजह से दिया गया है, ठीक है। चलो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। देखो इंसेक्टा या हेक्सापोडा में जो भी ऑर्गेनिज्म इंक्लूड किए जाते हैं उनमें 3 पेयर वॉकिंग लेग्स होते हैं, तो ये 1, 2 and 3, ये 3 लेग दिखाई दे रहे हैं आपको, 3 पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। ये इसका हेड रीजन दिखाई दे रहा है, ये देखो लंबा सा एक एंटेनी दिखाई दे रहा है ना। अगर मैं इसको लेबल करूं आपके लिए, लेग्स, एंटेनी, ठीक है, और ये आपको दिखाई दे रहे हैं विंग्स। तो
दो तरह के विंग्स होते हैं, इनमें अभी डिटेल पढ़ेंगे। ये एक ओवरऑल व्यू आपको दिखाई दे रहा है, स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। चलिए जी आगे चलें, ये तो समझ में आ गया आपको, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, एटलीस्ट ये दो चीजें याद रखिए, बाकी याद नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, ये आपको वैसे भी याद रह जाना है, जीनस और स्पीसीज, ठीक है। अब आगे आते हैं, हैबिटेट में हम जाएं, उससे पहले आर्थ्रोपोडा के कुछ जनरल करेक्टर्स अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। आर्थ्रोपोडा के जो जनरल करेक्टर्स थे उनमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी, जैसे काइटिनस एक्सोस्केलेटन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, शाइजोसीलोम, ठीक है, बॉडी डिविजिबल इनटू हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, ये सारी की सारी चीजें हम आर्थ्रोपोडा में पढ़ चुके हैं। मेरे कहने का मतलब है अगर आर्थ्रोपोडा फाइलम के जनरल करेक्टर्स आपको अच्छे से याद हैं तो आप मान के चलें कि कॉकरोच से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो आधे तो आप वैसे ही सही कर देंगे, क्योंकि वो उसी से एसोसिएटेड कोई ना कोई चीज पूछी जाती है, ठीक है ना। तो आइए अब चलते हैं हैबिट एंड हैबिटेट में। तो हैबिट हैबिटेट में आपको ये याद रखना है, तरुण बेटा ठीक है आप आ गए हो, आप बिल्कुल पता है मेरे को और आपका नाम भी मैंने ले दिया है, ठीक है। सो कॉकरोचेज आर ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल्स, द वेरी फर्स्ट एंड फोरमोस्ट पॉइंट। अब तीन चीजें याद रखनी है कॉकरोचेस के बारे में, दे आर नॉक्टर्नल मींस दे आर एक्टिव एट द टाइम ऑफ नाइट, कर्सोरियल मींस दे आर फास्ट रनर्स एंड दे आर ओमनीवोरस। नाइट टाइम में एक्टिव रहेंगे तो नॉक्टर्नल कहलाए, फास्ट रनर्स हैं मतलब अपने ग्रुप में और जो ऑर्गेनिज्म है उनके कंपैरिजन में ये फास्ट रनर्स हैं तो कर्सोरियल कहलाए, और ओमनीवोरस हैं। तो ये तीन पॉइंट आपको याद रखने। एक चीज और आप इसमें ऐड कर सकते हैं, दैट दे ऑल्सो एग्जिबिट कैनिबलिज्म, दे हैव अ टेंडेंसी टू कंज्यूम और ईट देयर ओन स्पीसीज, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कैनिबलिज्म, ठीक है। और इंडिया में तीन कॉमन स्पीसीज कॉकरोच के मिलते हैं, वन इज पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना जो सबसे ज्यादा कॉमन है, फिर है ब्लेटा ओरिएंटेलिस और ब्लेटा जर्मेनिका, ये तीन चीजें हैं, ठीक है। मिलते कहाँ हैं ये, डार्क एंड डैम्प प्लेसेस में, हाउस होल्ड बात अगर हम करें घर में तो किचन में या किसी डार्क रीजन्स में, गोडाउन्स में, ठीक है, मतलब एक पेस्ट की तरह काम करते हैं, घरेलू सामान को नुकसान भी पहुंचाते हैं, तो ये इनका ओवरऑल हैबिट एंड हैबिटेट है, सिंपल चीजें। आगे चलते हैं, इनकी मॉर्फोलॉजी पर आते हैं, ठीक है। चलिए एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, मेजरिंग अबाउट 34 to 53 millimeter, हम पेरिप्लेनेटा का लेंथ मान के चलते हैं लगभग 50, ठीक है, एज्यूम करके चलते हैं 50 millimeters। रेडिश ब्राउन कलर, अब जरा इसको ठीक से देखिएगा, विद अ पेलर येलो एरिया अराउंड द एज ऑफ प्रोनोटम एंड टू डार्क पैचेस ओवर इट। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये इनके पहले थोरेसिक सेगमेंट का डॉर्सल पोर्शन जो है उस पर मिलने वाला काइटेनस पोर्शन है, जिसको हम कहते हैं प्रोनोटम। प्रोनोटम का मतलब हो गया डॉर्सल स्क्लेराइट प्रेजेंट ऑन फर्स्ट थोरेसिक सेगमेंट, डॉर्सल स्क्लेराइट ऑन फर्स्ट थोरेसिक सेगमेंट। तो ये जो प्रोनोटम है इस पर देखो आप टू डार्क कलर्ड पैचेस, ये आपको पैचेस दिखाई दे रहे हैं दो, these two dark colored patches, one is this, another is this, these two dark colored patches, that is the characteristic feature of periplaneta americana, ठीक है। चलो आगे चलें, chitinous cuticle which is made up of sclerites, tergum, sternum and pleura, arthrodial membrane that give rise to sternite freedom of movement from their edges. अब मैं आपको जरा ये समझा दूं कि देखो जरा,
काइटिनस एक्सोस्केलेटन का मतलब क्या है और स्क्लेराइट का मतलब क्या है। एज्यूम करो कि यह कॉकरोच का बॉडी है, ये इसका हेड रीजन है, ये इसके थोरेसिक सेगमेंट हैं, ठीक है, जिसको मैं लिख दूं T1, T2, T3 और ये इनका एब्डोमिनल रीजन है, ठीक है ना। अब इसमें लेग और विंग सभी हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। मान लो कि अब इसका सेक्शनल व्यू लें हम, तो जब इसका सेक्शनल व्यू लेंगे, मान लो यहां से हमने इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लिया, तो ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे तो थर्ड, सेकंड, फर्स्ट किसी भी सेगमेंट का एक सेक्शन हमारे पास आ जाएगा। अब ये मान लो कि इसका सेगमेंट है, एज्यूम करो, ट्रांसवर्स सेक्शन में ये ऐसा दिखाई दिया, ये बॉडी का डॉर्सल पोर्शन हो गया, ये वेंट्रल पोर्शन हो गया और ये आपके लेटरल पोर्शन हो गए। तो जैसा कि मैंने कहा, कॉकरोच का बॉडी जो है दैट इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। तो ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन कॉकरोच का चार प्लेट्स के फॉर्म में होता है हर सेगमेंट पर। पहला प्लेट मिलेगा बच्चों यहां, फर्स्ट प्लेट इज प्रेजेंट हियर, ये पहला काइटिनस प्लेट है जो कि डॉर्सली कवर करता है। ये दूसरा काइटिनस प्लेट है जो वेंट्रली कवर करता है। समझ में आ रही है बात? और ये लेटरली कवर करते हैं। तो ऐसे करके कुल मिला के बॉडी के हर सेगमेंट को चार काइटिनस प्लेट कवर करते हैं। आ रही है बात समझ में? अब इन चारों काइटिनस प्लेट्स को कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? कलेक्टिवली दे ऑल आर नोन एज स्क्लेराइट्स। अब स्क्लेराइट तीन तरह के हो गए, एक दो डॉर्सल सरफेस पर है, एक वेंट्रल और बाकी दो जो लेटरल सरफेस पर हैं। तो जो डॉर्सल सरफेस पर स्क्लेराइट है उसको हम कहते हैं टर्गम, जो वेंट्रल सरफेस पर है उसको हम कहते हैं स्टर्नम और जो लेटरल है उसको हम कहते हैं प्लूराइट्स। आ गई बात समझ में? तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये तो है टर्गम, ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये है स्टर्नम और ये जो दिखाई दे रहा है ये है प्लूराइट। समझ में आ गई बात? सो एवरी सेगमेंट ऑफ द बॉडी इज कवर्ड बाय। काजल कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, कॉकरोच का स्टडी इजी सा है, अभी आप देखो धीरे धीरे सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना, आप बस देखते जाएं और समझते जाएं। तो डॉर्सल स्क्लेराइट ऑल काइटिनस प्लेट्स आर नोन एज स्क्लेराइट और स्क्लेराइट आपके तीन तरह के हो गए, टर्गम जो कि डॉर्सल है, स्टर्नम जो कि वेंट्रल है और प्लूराइट जो कि लेटरल है। आ गई बात समझ में? ये बॉडी का सेगमेंट है। तो मेरे ख्याल से काइटिनस एक्सोस्केलेटन का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है ये आप सब बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो जी आगे चलें, दैट इज क्लियर। इसका किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो जल्दी से, फिर मैं आगे चलूं, टर्गम स्टर्नम प्लूराइट वगैरह समझ में आ जाएंगे। चलें आगे। चलो अब वापस हम यहां आ जाते हैं।
देखो 34 टू 53 एमएम इनका लेंथ हो गया, रेडिश ब्राउन कलर हो गया, पेल येलो एरिया अराउंड द एज ऑफ प्रोनोटम, ये प्रोनोटम का एज है, यहां पर पेल येलो एरिया होगा और प्रोनोटम पर टू डार्क कलर्ड पैचेस प्रेजेंट होंगे जो कि यहां दिखाई दे रहे हैं प्रोनोटम पर, ठीक है। काइटिनस क्यूटिकल विच आर नोन एज स्क्लेराइट, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया, अभी आपसे डिस्कशन किया, इनको हम क्या कहते हैं, टर्गम स्टर्नम एंड प्लूरा, करेक्ट। अच्छा, दो जो सक्सेसिव सेगमेंट होंगे वो आपस में एक मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होंगे जिसे हम कहेंगे आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, टू सक्सेसिव सेगमेंट्स आर कनेक्टेड बाय फ्लेक्सिबल आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। इसकी वजह से इनकी बॉडी के जो दो सेगमेंट हैं उनके बीच में कुछ मूवमेंट हो पाएगा, ठीक है। जैसा कि लिखा है लास्ट में, इट गिव्स द स्क्लेराइट सम फ्रीडम ऑफ मूवमेंट अपॉन ईच अदर एट देयर एजेस, जो उनके किनारे होंगे वहां पर थोड़ा सा स्लाइट मूवमेंट आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन की प्रेजेंस की वजह से हो पाएगा, ठीक है। चलो आगे चले, अब आते हैं इनके सेगमेंटेशन पर। इनकी बॉडी में कुल मिलाकर के 20 सेगमेंट होते हैं एम्ब्रियोनल स्टेज में, समझ लो इसको। एम्ब्रियो एंड एडल्ट, नंबर ऑफ सेगमेंट देख रहे हैं हम। सबसे पहले हेड, फिर थॉरेक्स और फिर एब्डोमेन, तीन रीजन है इनकी बॉडी के। तो एम्ब्रियो में हेड में होते हैं 6 सेगमेंट, थोरेक्स में 3 और एब्डोमेन में 11, कहने का मतलब टोटल सेगमेंट हो गए 20, किसमें, एम्ब्रियो में। जब इनका डेवलपमेंट होगा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट, हेड के ये सारे सेगमेंट फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, और सिंगल फ्यूज्ड सेगमेंट बन जाएगा 1, इसको यूं लिख दें 1 विच इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 6। थोरेक्स में जो 3 है वो एज इट इज रहेंगे और एब्डोमेन के जो 11 है इनकी जगह पर 10 रह जाएंगे फॉर्म्ड बाय 11। तो ऐसे करके एडल्ट में टोटल कितने सेगमेंट बच गए, 14। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कॉकरोच के एम्ब्रियोनिक स्टेज में टोटल नंबर ऑफ सेगमेंट कितने हैं और फिर उसके बाद में एडल्ट में कितने सेगमेंट हैं, ठीक है। स्क्लेराइट्स आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं बेटा, अभी तो बताया। चलो आगे देखो, 20 सेगमेंट्स एम्ब्रियोलॉजिकली, 6 इन हेड, 3 इन थोरेक्स, 11 इन एब्डोमेन, जैसा कि आपको यहां दिखाई दे रहा है। All segment of the head are fused, जो कि बाद में single segment में convert हो जाएगा। Thorax consists of 3 segment, only 10 segments are retained in abdomen of the adult. Of these, only first 7 are distinct in female and first 9 are distinct in male. ये important point है। मतलब cockroach को जब हम observe करेंगे तो हमें ऐसा नहीं है कि abdomen में सारे के सारे 10 segment दिखाई देंगे। क्यों नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि ओवरलैपिंग होती है। तो पहले 7 सेगमेंट तो फीमेल में क्लियर दिखाई देंगे और पहले 9 सेगमेंट मेल में क्लियर दिखाई देंगे, ठीक है। सारे के सारे 10 सेगमेंट एब्डोमेन के हमें क्लियर दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि कुछ सेगमेंट ओवरलैप कर जाते हैं अपने अगले सेगमेंट को, तो क्लियर विजिबिलिटी नहीं आ पाती। तो फीमेल को जब हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो 7 ही सेगमेंट हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। मेल को जब हम देखेंगे तो 9 ही सेगमेंट आइडेंटिफाई करेंगे, 10 सेगमेंट क्लियर कट उसमें दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। चलो अच्छा, कुछ सेगमेंट ऐसे भी हैं जो कि एक्सटर्नल जेनिटेलिया में मॉडिफाई हो जाते हैं, कुछ सेगमेंट जो है वो ओवरलैपिंग की वजह से हिडन स्टेट में भी आ जाते हैं। सो दीज आर द रीजंस, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है सिंपल, ओवरऑल सेगमेंट्स कैसे हैं 20 और सेगमेंटेशन का पैटर्न कैसा है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, दैट इज मेटामेरिक
सेगमेंटेशन। और मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब होता है फर्स्ट सेगमेंट्स आर एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली डिवाइडेड, पॉइंट वन। पॉइंट टू, न्यूअर सेगमेंट्स आर एडेड फ्रॉम पोस्टीरियर एंड ऑफ बॉडी। एंड थ्री, ऑल सेगमेंट्स आर फिजियोलॉजिकली एसोसिएटेड और कनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, चलो आगे चले। अब आते हैं हेड पर। हेड का स्ट्रक्चर मैं आपके लिए ड्रॉ करता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। पहले दो तीन चीजें समझो। देखो ये जो टर्म लिखा है ना यहां, हाइपोग्नेथस पोजीशन, इसका मीनिंग समझो। मान लो कि ये कॉकरोच है, लेटरल व्यू देख रहे हैं हम, तो कॉकरोच का हेड होगा इस तरह से। कहने का मतलब हो गया बॉडी का जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है उसके राइट एंगल पर हो गया ऑलमोस्ट। हाइपो का मतलब लो, बिलो ग्नेथस मतलब जॉ। कहने का मतलब जॉ तो खैर नहीं होता इनमें, लेकिन माउथ जो है दैट इज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द बॉडी, तो राइट एंगल पर लगा होता है हेड। इस टर्म को हम क्या कहते हैं? हाइपोग्नेथस। इसको अच्छे से समझ लो, पहली बात तो हो गई है। दूसरा, अभी हमने डिस्कस किया दैट इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ सिक्स सेगमेंट्स एंड इज कनेक्टेड टू रीजन ऑफ थोरेक्स विद हेल्प ऑफ द नेक, तो मोबिलिटी भी इसके अंदर होती है। अब मैं यहां आपके लिए हेड का एक स्ट्रक्चर फ्रंटल व्यू ड्रॉ करता हूं, जिससे आपको समझ में आए कि हेड एग्जैक्टली स्ट्रक्चर होता कैसा है। सो लेट अस हैव अ लुक ऑन हेड। ये हम हेड का फ्रंटल व्यू बना रहे हैं, मतलब हम यहां से विजुअलाइज कर रहे हैं उसको। तो हेड पर हमें सबसे पहले कॉन्स्पिक्यूअस ये कंपाउंड आईज दिखाई देंगे, बीन शेप्ड, एंड ईच कंपाउंड आई इज मेड अप ऑफ अराउंड 2000 स्मॉल यूनिट्स। These 2000 small units are known as ometidia or ometidium. ये हैं आपके compound eyes। ठीक है, head का frontal view देख रहे हैं। यहां हमें एक inverted V shape का suture दिखाई देगा, जिसे हम कहते हैं epicranial suture। ठीक है, एपिक्रेनियल सुचर के नीचे यहां हेड के सेगमेंट दिखाई देना स्टार्ट होंगे। पहला सेगमेंट फ्रॉन्स, दूसरा सेगमेंट क्लाइपियस, और ये तीसरा सेगमेंट जिसे हम कहते हैं लेब्रम। अभी माउथ पार्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी इसको लेबल करता हूं आपके लिए, जस्ट अ मिनट। यहां एक छोटा सा स्क्लेराइट मिलेगा जिसे हम कहेंगे जेने दोनों तरफ, और यहां जो स्क्लेराइट होंगे उनको हम कहेंगे मैंडिबल्स, जिनके इनर मार्जिन पर टीथ के जैसे स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो दैट इज मैंडिबल। अब देखो ये जो कंपाउंड आईज हैं, इन कंपाउंड आईज के बिल्कुल पास में से, क्लोज लोकेलिटी से डेवलप होंगे एंटीनी। ये दिस इज द एंटीनी। एंटीनी का पहला सेगमेंट है ये स्केप, स्केप के ऊपर एक और सेगमेंट दिखाई देगा जिसको हम कहेंगे पेडिसिल,
और सबसे ऊपर वाला सेगमेंट हमें दिखाई देगा जिसको हम कहेंगे फ्लैजिलम। ये दूसरा सेगमेंट है जिसे हम कहेंगे पेडिसल। ठीक है, पेडिसल के बाद में अब आपका स्टार्ट हो जाएगा फ्लैजिलम, मल्टी सेगमेंटेड फ्लैजिलम। आ रही है बात समझ में? ये एंटीनी इस तरफ है, इसी तरीके से ये एंटीनी इस तरफ होगा, एक एंटीनी और होगा इस तरफ। ये हो गया स्केप, स्केप के बाद यहां से आ गया आपका पेडिसल, सेकेंड सेगमेंट, और पेडिसल के बाद में स्टार्ट हो जाएंगे आपके फ्लैजिलम। समझ में आ रही है बात? सो दैट इज एंटीनी। ओके, एंटीनी के बिल्कुल पास में यहां ये होंगे ऑसिलाई, जिनको हम कहेंगे सिंपल आई और वी कैन से ऑसिलाई। अब इसके बाद में कुछ माउथ पार्ट्स भी दिखाई देंगे यहां पर, जैसे यहां आपको दिखाई देंगे मैक्सिलरी पैल्प, फाइव सेगमेंटेड, यहां आपको दिखाई देंगे लेबियल पैल्प्स, थ्री सेगमेंटेड, ये नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा लेबियम। ठीक है, तो कुछ इस तरह का आपको हेड का फ्रंटल व्यू दिखाई देगा कॉकरोच का। अब मैं एक बार इसको लेबल कर देता हूं आपके लिए, जिससे कुछ चीजें समझ में आए आपको। दिस इज द फ्रंटल व्यू। फ्रंटल व्यू में ये एंटीनी का पहला सेगमेंट स्केप, पेडिसल एंड फ्लैजिलम, ऑल दीज थ्री स्ट्रक्चर्स कलेक्टिवली फॉर्म एंटीनी। ठीक है, तीन सेगमेंट हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है एपिक्रेनियल सुचर, इन्वर्टेड वाई शेप का जो सुचर दिखाई दे रहा है। ये दिखाई दे रहे हैं आपको ऑसिलाई और सिंपल आई। ये जो बीन शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये हैं आपके कंपाउंड आईज। ये सेगमेंट जो दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं फ्रॉन्स। इसके नीचे वाले स्क्लेराइट को कहते हैं क्लाइपियस। फिर ये दिखाई दे रहा है आपको लेब्रम। ये दिखाई दे रहे हैं आपको मैंडिबल। ये दिखाई दे रहा है जेने स्क्लेराइट। ये दिखाई दे रहे हैं आपको मैक्सिलरी पैल्प। ये क्या होते हैं अभी पढ़ेंगे। ये दिखाई दे रहे हैं आपको लेबियल पैल्प, और ये अंदर की तरफ आपको दिखाई दे रहा है लेबियम। इसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द ओवरऑल व्यू ऑफ द फ्रंटल व्यू ऑफ द हेड। ठीक है, बायोमोलिक्यूल कब स्टार्ट होगा बेटा? जल्दी स्टार्ट करेंगे, आप पहले इसको पढ़िए। सिंपल आई फोटो रिसेप्टर होता है बेटा, लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करता है बस।
अब आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, जिससे मैं आगे चलूं। शाबाश खुर्शीद कह रहे हैं व्हाट इज कंपाउंड आई। थोड़ा वेट कीजिए बेटा, अभी कंपाउंड आई वगैरह सब पढ़ने वाले हैं हम, सारी चीजें आएंगी। चलो, तो ये बात हो गई आपके हेड की। बॉडी के तीन डिवीजन होते हैं, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, फिर से देख लो, हेड इज स्मॉल ट्रायंगुलर, नैरो एंड इज डाउनवर्ड, ये कंडीशन होगी, इस वजह से पोजीशन कहलाई हाइपोग्नेथस। छह सेगमेंट्स के फ्यूजन से बना है और नेक से, विद हेल्प ऑफ नेक, स्मॉल एक नेक जैसा स्ट्रक्चर होता है जो इसको कनेक्ट करता है थोरेक्स से, जिसकी वजह से इसके हेड में मोबिलिटी होती है चारों डायरेक्शंस में। हेड कैप्सूल बियर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आइज, ये आपको दिखाई दे रहे हैं बड़े बड़े बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स जिनको हम कहते हैं कंपाउंड आइज। हेड इज कनेक्टेड विद थोरेक्स बाय अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरेक्स नोन एज द नेक। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपको हेड के बारे में याद रखनी है। लिपुन बताया ना, ऑसिलाई सिंपल फोटो रिसेप्टर है जो केवल लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करेंगे। कंपाउंड आइज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर विजन, समझ आ गई बात। चलो आगे चलते हैं, अब आते हैं थोरेक्स पर। देखो फिर से मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊं आपके लिए। थोरेक्स का जो रीजन है, थोरेक्स में तीन सेगमेंट है, ये हम पढ़ चुके हैं, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स, इनके नाम हो गए। तो ये आपका प्रोथोरेक्स हो गया, ये मीजोथोरेक्स हो गया और ये मेटाथोरेक्स हो गया। ठीक है, देयर आर थ्री थोरेसिक सेगमेंट्स, T1, T2 एंड T3, करेक्ट। ईच सेगमेंट बियर अ पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, मैं इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूं इसको, ये वॉकिंग लेग हो गए, तीन उस तरफ होंगे। A pair of wings arise from mesothorax and second pair of wing from metathorax. कहने का मतलब wings पर दो चीजें हैं, एक तो walking legs और दूसरी चीज क्या है, wings। तो wings किस तरह के होते हैं देखो, पहला wing तो यहां पर है, mesothorax से connected है, तो ये तो होता है बड़े size का। कहने का मतलब लगभग लगभग यूं मानो, थिक होते हैं, लेदरी होते हैं, उड़ने में हेल्प नहीं करते। आ रही है बात समझ में। जो मीजोथोरेसिक विंग है वो केवल सेकंड पेयर ऑफ विंग को प्रोटेक्ट करते हैं, इसके अलावा इनका और कोई भी काम नहीं होता। इनको एलाइट्रा या टेग्मिना भी कहा जाता है, करेक्ट। और जो मेटाथोरेसिक विंग है, मेटाथोरेसिक विंग आपके स्मॉल साइज होते हैं, छोटे होते हैं और उड़ने में सपोर्ट भी करते हैं। मैं यहीं पर ड्रॉ किए देता हूं, आ रही है बात समझ में। तो अब इनको लेबल कर दूं आपके लिए, ये आपका प्रोथोरेक्स, ये मीजोथोरेक्स, ये मेटाथोरेक्स। ठीक है, तीनों पर वॉकिंग लेग्स, टोटल थ्री पेयर्स, वन पेयर ऑन ईच थोरेसिक सेगमेंट, हर थोरेसिक सेगमेंट पर वन पेयर वॉकिंग लेग होंगे। अब ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तो है मीजोथोरेसिक विंग, या एलाइट्रा या टेगमीना,
ये जो विंग होते हैं ये उड़ने में सपोर्ट नहीं करते. ये कैसे होते हैं विंग्स? दे आर थिक लेदरी. और ये जो विंग आपको दिखाई दे रहा है इधर वाला, ये हो गया आपका मेटाथोरेसिक विंग. जो थिन है और मेम्ब्रेनस है एंड इज रेस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म स्मॉल डिस्टेंस फ्लाइट्स. ठीक है, चलो आगे चले. मेल और फीमेल का डिफरेंसिएशन भी आने वाला है, अभी बताता हूं, रुको. फोर विंग आर कॉल्ड एज टेगमिना विच आर ओपेक एंड डार्क एंड कवर द हाइंड विंग एट द टाइम ऑफ रेस्ट. इसका स्क्रीनशॉट लेना हो जल्दी से ले लो, फिर मैं आगे चलता हूं. ओके, तो हेड हो गया, थोरेक्स हो गया, अब आते हैं एब्डोमेन पर. अब देखो एब्डोमेन में हम पढ़ चुके हैं देयर आर 10 सेगमेंट, तो 10 टर्गाइट्स होंगे. टर्गाइट का मतलब क्या हो गया, अभी समझाया था आपको. टर्गाइट का मतलब हुआ डॉर्सल स्क्लेराइट्स. बॉडी के डॉर्सल पोर्शन पर जो काइटेनस कवर होंगे उनको टर्गम कहते हैं. कलेक्टिवली सबको क्या कह देंगे, टर्गाइट्स. ठीक है, अब देखना जरा. ये तो हेड हो गया, यहां तक हम थोरेक्स के तीनों सेगमेंट मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं. अब एब्डोमेन के सेगमेंट्स पर आते हैं. ठीक है, तो एब्डोमेन में टोटल सेगमेंट 10 हैं. जब सेगमेंट 10 हैं तो टर्गम भी कितने होने चाहिए, 10. लेकिन देखो क्या लिखा है इसमें, 8th एंड 9th टर्गाइट्स आर मोस्टली कवर्ड बाय 7th. अब समझो इसको, ये एब्डोमेन का फर्स्ट सेगमेंट है और ऊपर हमें टर्गम दिखाई दे रहे हैं. ये डॉर्सल व्यू दिखाई दे रहा है हमें. व्हाट इज दिस, डॉर्सल व्यू. इस डॉर्सल व्यू में हमें 10 एब्डोमिनल सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. अब देखना आठवां और नौवां सेगमेंट जो है वो उसका केवल मार्जिन मार्जिन दिखाई दे रहा है, A8 एंड A9. और ये 10th है, 10th एब्डोमिनल सेगमेंट. आ रही है बात समझ में? और जो डॉर्सल जो स्क्लेराइट होता है उसको हम क्या कहते हैं, टर्गम. अभी मैंने आपको समझाया दिस इज फर्स्ट टर्गम, मतलब पहला डॉर्सल स्क्लेराइट. दिस इज सेकेंड टर्गम, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ. अब समझो जरा, ये जो सातवां टर्गम है यानी सातवें सेगमेंट का जो डॉर्सल स्क्लेराइट है, इसने आठवें और नौवें सेगमेंट के डॉर्सल स्क्लेराइट को पूरा ओवरलैप कर लिया है. और ये नीचे क्या दिखाई दे रहा है आपको, 10th टर्गम. तो 8th और 9th टर्गम के बिल्कुल एक एक लाइन मार्जिन दिखाई दे रहे हैं केवल, जो कि 7th टर्गम ने कवर कर लिए हैं इन बोथ मेल एज वेल एज फीमेल. समझ में आ गई बात? अब
अभी कृतिका आ रहे हैं उस पे, वेट करो थोड़ा सा, जस्ट वेट। अरे एब्डोमेन और थोरेक्स तो हो ही जाएंगे, जहां लेग दिखाई दे जिस सेगमेंट पर वो थोरेक्स का सेगमेंट है, और जिस पर लेग दिखाई नहीं दे वो एब्डोमेन का सेगमेंट है, सिंपल। क्योंकि थोरेक्स के हर सेगमेंट पर क्या होते हैं, वन पेयर वॉकिंग लेग्स, एब्डोमेन के किसी भी सेगमेंट पर वॉकिंग लेग दिखाई नहीं देंगे आपको, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है, दैट इज डॉर्सल व्यू। अब हम वेंट्रल व्यू पर चलते हैं, ठीक है। देखो इन बोथ मेल एंड फीमेल, एट्थ एंड नाइन्थ टर्गाइट्स आर मोस्टली कवर्ड बाय द सेवंथ, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। द टेंथ इज समवट बॉल शेप्ड एंड इज पोस्टीरियरली बाइफर्केटेड इनटू टू लोब्स, ये देखो दो लोब्स में बाइफर्केटेड है ये आखिरी सेगमेंट जो कि आपको दिखाई दे रहा है। एंड दिस इज द कंडीशन इन बोथ मेल एज वेल एज फीमेल। लेकिन जब हम वेंट्रली ऑब्जर्व करेंगे तो वेंट्रल ऑब्जर्वेशन में ये चीजें चेंज हो जाएंगी, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों में ये स्ट्रक्चर्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे, करेक्ट। चलो आगे चलूं, एब्डोमेन। अब पहले ये जो पॉइंट्स लिखे हैं इनको समझ लो, फिर उसके बाद में डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करता हूं। देखो अब मेल और फीमेल में डिफरेंशिएशन होगा। इन फीमेल द लास्ट स्टर्नाइट सेवंथ इज लार्जर एंड बोट शेप्ड एंड टुगेदर विद इनडिस्टिंक्ट एट्थ एंड नाइन्थ स्टर्नाइट फॉर्म्स ए ब्रूड और जेनाइटल पाउच हुज एंटीरियर पार्ट कंटेन्स फीमेल गोनोपोर स्पर्मेथिकल पोर्स एंड कोलेट्रल ग्लैंड। तो मैं पहले फीमेल का बॉडी का पोस्टीरियर पोर्शन आपके लिए ड्रॉ करता हूं। देखो दिस इज द वेंट्रल पोर्शन ऑफ द फीमेल, एब्डोमेन ऑफ फीमेल। ये सब क्या है, स्टर्नम, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, वेंट्रल व्यू किसका, एब्डोमेन ऑफ फीमेल। आ रही है बात समझ में। अब सातवां स्टर्नम जो है वो दो प्लेट्स में डिवाइड हो जाता है, कहने का मतलब दो बोट शेप स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिनको हम कहते हैं गाइनोवाल्व्यूलर प्लेट्स। अब आपको ये तो सेवंथ की बात हो गई, अब आप कहेंगे कि आठवां और नौवां स्टर्नम कहां चले गए, तो अब मैं इसका लेटरल सेक्शनल व्यू बना रहा हूं। This is lateral sectional view of abdomen in case of female। अब देखो क्या दिखाई दे रहा है, जरा lateral sectional view में ये तो है body का dorsal portion, ये है ventral portion, तो ये क्या हो गया बच्चों, sternum, और ये ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, टर्गम। अब ये स्टर्नम कौन से सेगमेंट का है, छठा, ये सिक्स्थ स्टर्नम है, और ये आपका सातवां स्टर्नम है जो किसमें कन्वर्ट हो गया है, गाइनोवल्व्यूलर प्लेट्स में। अब आठवां और नौवां स्टर्नम जो है फीमेल में वो इन्वेजिनेट कर गए अंदर, ये मान लो आठवां है
और ये नोवा, तो इनके इन्वेजिनेशन से यहां एक चैम्बर के जैसा स्ट्रक्चर बन गया। ये चैम्बर जो है इसी को हम क्या कहते हैं, जेनाइटल चैम्बर। और इसी जेनाइटल चैम्बर के आगे वाले हिस्से में माने कि यहां फीमेल गोनोपोर ओपन होता है। तो ये जो डायग्राम है इससे आपको वेंट्रल सरफेस या वेंट्रल व्यू फीमेल का समझ में आ जाएगा ठीक से। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे मेल का वेंट्रल व्यू ऑब्जर्व करें। जल्दी से ले लो। ठीक है, गाइनोवल्व्युलर प्लेट्स बेटा प्लेट्स हैं जो फ्लोर बनाएंगे इस चैम्बर का। देखो रूफ तो ये बन गया, ये प्लेट इसका फ्लोर बनाएंगे। एट द टाइम ऑफ मेटिंग व्हाट मेल विल डू, मेल विल ओपन आउट दीज प्लेट्स एंड विद इन दिस चैम्बर स्पर्मेटोफोर विल बी रिलीज्ड। स्पर्मेटोफोर इज अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, तो वो यहां पर रिलीज करेगा मेल। आ गई बात समझ में? तो ये फीमेल का वेंट्रल व्यू और लेटरल सेक्शनल व्यू हो गया। इससे आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर से देख लो एक बार, ये क्या है देखना जरा, वेंट्रल व्यू किसका, एब्डोमेन ऑफ फीमेल। इसमें क्या दिख रहा है, स्टर्नम चौथा दिखाई देगा, पांचवा दिखाई देगा, छठा दिखाई देगा, सातवां स्टर्नम प्लेट्स में कन्वर्ट हो गया है जिनको गाइनोवल्व्युलर प्लेट्स कह रहे हैं। दिस इज सेवंथ स्टर्नम। अब इसको ठीक से समझने के लिए एग्जैक्टली होता क्या है, हमने इसको यूं काट दिया है, लेटरल सेक्शनल व्यू देख रहे हैं ये। तो लेटरल सेक्शनल व्यू में ये तो है डॉर्सल पोर्शन बॉडी का, ये है वेंट्रल पोर्शन बॉडी का। डॉर्सल पोर्शन पर हमें टर्गम दिखाई दे रहे हैं, वेंट्रल पर स्टर्नम। अब हम केवल स्टर्नम से कंसर्नड है। ये आपका छठा स्टर्नम है और ये सातवां। सातवें स्टर्नम के बारे में मैंने क्या कहा आपको, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, गाइनोवल्व्युलर प्लेट में। तो ये तो हमें प्लेट दिखाई दे रहा है। आठवां और नौवां स्टर्नम इन्वेजिनेट हो गए जिसकी वजह से एक चैम्बर बन गया जिसको हमने कह दिया जेनाइटल चैम्बर, ब्रूड पाउच भी बोल देते हैं इसको। इसका फ्लोर कौन बना रहा है, नीचे गाइनोवल्व्युलर प्लेट जो कि बोट शेप्ड है। और इसी के आगे वाले हिस्से में ये क्या ओपन हो रहा है, फीमेल गोनोपोर। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। समझ आ गया ठीक से फहीम? बेटा वेट करो थोड़ा सा, क्या है सीक्वेंस में आएंगे ना चीजें। अब टिटिलेटर है या वेंट्रल है, फेलोमियर है या लेटरल फेलोमियर है, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब आएगा ना कॉकरोच का, उसमें उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। गौरव कह रहे हैं कॉकरोच इज यूरिकोटेलिक, बिल्कुल यूरिकोटेलिक होता है लेकिन ये भी आएगा, थोड़ा सा वेट करो। चलो तो अब बच्चों ऐसा है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हमारा सेशन ही थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब आपकी चूंकि दूसरी वाली क्लासेस स्टार्ट हो गई होंगी, तो एब्डोमेन तक का सेक्शन हमने पढ़ लिया है, ये आपको याद रहे। एब्डोमेन के बाद का जो सेक्शन है ये अब हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिर हमें माउथ पार्ट्स भी पढ़ने हैं। माउथ पार्ट्स के बाद थोरेसिक अपेंडेजेस भी पढ़ने हैं जिसमें लेग है, एब्डोमिनल अपेंडेजेस भी पढ़ने हैं, विंग्स हैं जिसमें। तो ये चीजें अब हम कल वाले सेशन में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, कंक्लूड करते हैं इसको जिससे कि आपको आगे वाला सेशन आप इजीली ले सकें। तो कल 3 बजे हम लोग माउथ पार्ट्स पढ़ने वाले हैं, माउथ पार्ट्स के बाद में लेग का स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, फिर बॉडी वॉल पढ़ने वाले हैं, फिर इनकी बॉडी कैविटी पढ़ने वाले हैं जिसको हीमोसील कहा जाता है, और फिर उसके बाद हम इनके सिस्टम्स पर आ जाएंगे, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच, द मैकेनिज्म ऑफ विजन कॉकरोच को दिखाई किस तरीके से देता है, कंपाउंड आइज का स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी की सारी चीजें अब हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस में। ओके तो आज के लिए इतना ही, कल 11 बजे मिलते हैं हम, जो हमारा टॉपिक चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी का, उसमें
प्रोसेस पूरा का पूरा कल हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, कल कॉकरोच वाला पोर्शन आगे प्रोसीड करेंगे। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें अभी तक जो हमने पढ़ी हैं समझ में आ गई होंगी। जो बच्चे सेशन में लेट आए थे वो इस सेशन को देखकर कल वाले सेशन में फिर अपियर होंगे, जिससे सीक्वेंस में सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आती जाएं। ओके, सो गुड बाय एंड गुड डे। हिट द बेल आइकन, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस पोस्ट। थैंक यू।